दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल माइनिंग द अर्थ वेल्थ में। आज हम दोस्तों राजस्थान राजसमंद जिले के यहाँ हम ग्रेनाइट देखने के लिए आए हैं, जो हम एक डायरेक्ट फैक्ट्री पर आए हैं और आपको अब इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि किस रेट का माल क्या रेट में रहने वाला है। तो भैया ये आपको बताने वाला है, सबसे पहले दोस्तों आपके सामने इस पैटर्न का जो माल है, जो इस वीडियो के अंदर आप क्लियरेंस थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ। भैया ये किस रेट का माल है? 65 रुपए स्क्वायर फीट का जो माल है, 65 रुपीज स्क्वायर फीट। जितना माल लेंगे उस हिसाब से इसकी रेट लगेगी, जितना स्क्वायर फीट आप लेने वाले हैं। अब अपन ब्लैक की तरफ जाते हैं। ये भैया कहाँ का माल है? ये आप देख रहे हो जो ब्लैक कलर का है जिसके अंदर व्हाइट डॉट्स हैं, ये मड़का का माल है। ये क्या रेट का है भैया? ये 70 रुपए लगेंगे स्क्वायर फीट। और ये वाला भैया? ये भी 70 मड़का का है। जो आपके अंदर आपको इस वीडियो के अंदर जो ऐसा लग रहा है ये व्हाइट कलर के पेज है, पेज कुछ नहीं है। इसमें क्या है, वीडियो जो सूरज की किरणें इस साइड आ रही है, मैं आपको इस साइड से बता देता हूँ। ये वाला माल, ये बीच में सूर्य की किरणें, बाकी पैटर्न सब है। ये जो भैया बीच में लड्डू वगैरह में आ रहे जो, तो भी इसकी रेट सेम रहेगी क्या? और ये वाला, ये एक ही तीनों ये अच्छा ब्लैक ब्लैक जो आपने बताया, ये तीनों कहाँ के? ये मड़का के रेट इसके 70 ही है तीनों के। कुछ 19-20 नहीं हो सकता हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए? जो ये जो बीच में पेज वगैरह दिख रहा है इसके लिए थोड़े रेट का कैसे क्या रहने वाला है? ये भी सुसोदिया का माल, क्या रेट है इसकी भैया? 80 रुपए स्क्वायर फीट। ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। और है क्या भैया अपने पास? ये तो आपने देख लिया व्हाइट में। ये वाला क्या भैया, ग्रेनाइट का? अच्छा एक सोल्ड हो गया यूँ? चलो ये सोल्ड हो गया तो आपको बताएंगे नहीं। ये वाला वो वाला एक और है ग्रेनाइट में अपने पास पैटर्न, जोधपुर। ये जोधपुर का क्या रेट का भैया? ये वाला ये 75। ये वाला एक दो दिन बैलेंस है, ये सोल्ड है। ये अच्छा सोल्ड है ये वाला? ये वाला तो है ना अपने पास अवेलेबल। क्या रेट बताए भैया इसकी? 75 रुपए स्क्वायर फीट, 75। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आज बताया आपको, अगर आपको माल चाहिए तो मेरे संपर्क करें कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आकर।